एक एसपी साहब अपनी टीम के साथ एक जगह जाते हैं जहां पर एक सब्जी वाला सब्जी बेचा करता था। वो पिछले 10 साल से वहां पर लगातार सब्जी का ठेला लगा रहा था और अभी तक उसे कैसी भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। तभी कुछ पुलिस वाले एसपी साहब की टीम में से वहां पर जाते हैं और उस सब्जी वाले को धमकाने लगते हैं। कहते कि अवैध तरीके से तुम सब्जी के ठेला लगा रहे हो और यहाँ पर तुम्हें ठेला नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद वह सब्जी वाला उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि साहब, यहाँ पर तो मैं पिछले 10 साल से ठेला लगा रहा हूँ और मुझे आज तक किसी ने भी परेशान नहीं किया, लेकिन आपको यहाँ पर ठेला लगाने से क्या आपत्ति है। इसके बाद वो कहते हैं कि हमें आपत्ति नहीं है, हमारे साहब को आपत्ति है। तो वो कहता है कि मैं आपके साहब से बात करना चाहूँगा। तो वो कहते हैं कि आप साहब से बात कर सकते हो, वो गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके बाद वह सब्जी वाला डरते डराते उस गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही वो एसपी साहब को देखता है तो एसपी साहब उस सब्जी वाले को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। कौन थे एसपी साहब और क्यों ये सब्जी वाले के ठेले को वहां से हटवाना चाहते थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है जिसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। मुकेश अभी स्कूल में है और स्कूल की पढ़ाई वो अच्छी तरह से किया करता है क्योंकि उसका सपना है कि वो पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह से करेगा और उसके बाद एक अच्छी सी सरकारी पोस्ट को प्राप्त करेगा ताकि उसके पिता का नाम रोशन हो सके और उसे मजदूरी करने के लिए न जाना पड़े। इसी बात को सोचकर मुकेश अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और धीरे धीरे करके अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक वो कंप्लीट कर लेता है। अब जैसे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसके माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू सयाना हो गया है और अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन जो मुकेश होता है अपने दिल की बात अपने पिता को बता देता है और कहता है कि बाबूजी, अभी मैं पढ़ लिख कर किसी बड़ी सी सरकारी पोस्ट को हासिल करना चाहता हूँ और उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। इसके बाद मुकेश के माता पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा शादी करने में कौन सी दिक्कत है, तू शादी कर ले और उसके बाद बेशक से पढ़ाई करता रहना, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मुकेश अपने माता पिता को समझाता है और कहता है कि माँ बाबूजी, एक बार मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जिससे आप मेरी शादी करवाओ वो इतनी समझदार हो कि मेरी भावनाओं को समझे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मेरी भावनाओं को ना समझे और मेरी पढ़ाई लिखाई का सपना ऐसे ही रह जाए। आपसे केवल मैं 3 साल मांग रहा हूँ और 3 साल के अंदर अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो ठीक है, अगर नहीं होता हूँ तो आप बेशक से मेरी शादी करा देना। इसके बाद मुकेश के माता पिता इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और मुकेश को पढ़ाई करने के लिए 3 साल दे देते हैं। मुकेश अब दिए गए समय में अपनी पढ़ाई को करना चाहता है और इसी वजह से वह कोचिंग करने के लिए चला जाता है। उसके पिता उसके पास पैसे तो भेजा करते हैं लेकिन पैसों की थोड़ी सी कमी रहती है और इसी कमी के चलते वह अपनी पढ़ाई लिखाई को करता रहता है क्योंकि मुकेश जानता था कि उसके पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं, उन्हें घर का खर्च भी चलाना होता है और ज्यादा पैसे वो मेरे पास नहीं भेज सकते। इसी वजह से जो मुकेश होता है वो जहां पर रहा करता है वहां पर भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम किया करता है ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। वहां पर रहकर वह मेहनत करता रहता है और मेहनत करके अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे बढ़ाता रहता है। अब जहां पर मुकेश कोचिंग के लिए रूम लेकर पढ़ा करता था वहां से थोड़ी ही दूर एक चौराहा था और उस चौराहे पर एक सब्जी वाला सब्जी का ठेला लगाया करता था। उस व्यक्ति का नाम था रोशन। अब मुकेश अक्सर उसी से सब्जी लेने के लिए जाया करता है और धीरे धीरे उससे बातें भी करने लगता है। लगभग वहां पर रहते रहते उसको 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने से लगातार मुकेश उसके पास जाया करता और उससे सब्जियां खरीद के अपने लिए खाना बनाया करता। अब इन 6 महीनों में दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन गए थे। लेकिन तभी 6 महीने बाद अचानक से एक दिन मुकेश नहीं आता है और इस बात को देखकर रोशन को उसकी फिक्र होने लगती है। उसके बाद पूरा दिन बीत जाता है लेकिन जैसे दूसरा दिन होता है तो दूसरे दिन भी मुकेश वहां पर सब्जी लेने के लिए नहीं आया था। अब रोशन को यह तो पता था कि ये यहां पर रहकर कोचिंग किया करता है लेकिन उसके रहने का ठिकाना वो नहीं जाना करता था। अब जैसे 3-4 दिन बीतते हैं तो रोशन बहुत ज्यादा फिक्र करता है और 3-4 दिन बाद अचानक से मुकेश सब्जी लेने के लिए उसके ठेले पर आ जाता है। अब जैसे मुकेश सब्जी लेने के उसके ठेले पर आया था तो रोशन मुकेश से पूछने लगता है कि भाई ये बताओ, पिछले 3-4 दिन से तुम कहां थे और क्यों सब्जी लेने के लिए नहीं आए, क्या किसी और सब्जी वाले से सब्जी लेने लगे हो क्या। ऐसा कहकर रोशन मुस्कुराने लगता है लेकिन तभी जो मुकेश होता है उसके चेहरे पर मायूसी आ जाती है और वो कहने लगता है कि भाई रोशन, तुझसे क्या छुपाना, मेरे पिता मजदूरी किया करते हैं और वो मेहनत मजदूरी करके मेरे लिए पैसा भेजते हैं लेकिन पैसों की पूर्ति नहीं हो पाती, उसके लिए मैं इधर उधर काम किया करता था और पिछले 3-4
दिनों से मेरा कोई काम नहीं लगा था जिस पैसे से मैं सब्जी खरीद सकूं और यहां पर अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। इसी वजह से मैं सब्जी लेने के लिए नहीं आ पाया था और आज जैसे मेरा काम लगा है तो आज मैं सब्जी से रोटी खाऊंगा और आपके पास मैं सब्जी खरीदने के लिए आ गया हूँ। यह कहते हुए मुकेश की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, लेकिन तभी रोशन वहां से उठकर उसके पास जाता, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछता है और उसे दिलासा देता है। कहता है कि यार तूने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। जब मैं और तुम एक दूसरे के दोस्त हैं तो तुम्हें ऐसी बात बिल्कुल सोचनी भी नहीं चाहिए थी। क्या तुम्हें यहाँ से केवल पैसों से ही सब्जी मिलेगी? तुम्हें जितनी भी सब्जी चाहिए होती है उतनी सब्जी ले जाया करो, भले ही तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो। वैसे भी मेरी शाम को थोड़ी बहुत सब्जी बच जाती है और वो मुझे ऐसे ही फेंकनी पड़ती है। इससे अच्छा वो तुम्हारे पेट में जाएगी और तुम उस सब्जी को खाओगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। तुम्हें पैसे देने की आज के बाद कोई भी जरूरत नहीं है और जितनी भी चाहे तुम यहाँ से सब्जी ले जा सकते हो और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करो और एक बड़े से मुकाम को हासिल करो। ऐसा कहकर रोशन ने मुकेश को हौसला दे दिया था और इसी हौसले के सहारे जो मुकेश होता है वो अपनी पढ़ाई को और जोर शोर से करने लगता है और अब उसे मेहनत मजदूरी भी नहीं करनी पड़ा करती है। जब तक मुकेश यहाँ पर रहकर कोचिंग किया करता है उस टाइम पे वह रोशन से सब्जी ले जाया करता है और उसके एक भी पैसे रोशन उससे नहीं लेता है। उन दोनों के अंदर काफी गहरी मित्रता हो गई थी और कभी कभी रोशन मुकेश से कहने लगा करता कि भाई अगर तुम बड़े अधिकारी बन जाओ तो मुझे भूल मत जाना। तब मुकेश हंसते हुए जवाब दिया करता है कि जो बुरे वक्त में काम आता है उसे कभी हम भूला नहीं करते क्योंकि हम गरीब लोग हैं। इस बात को सुनकर दोनों हंसने लगते हैं और हंसते हंसते इसी तरह से जो मुकेश होता है उसकी कोचिंग वहां पर कंप्लीट हो जाती है। उसने अपना टेस्ट दे दिया था और टेस्ट देने के बाद अब उसका रिजल्ट आना बाकी था। रिजल्ट से पहले वह अपने गाँव चला गया था क्योंकि यहाँ पर ज्यादा रह पाना उसके बस की बात नहीं था। अब जैसे ही उसका रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि वो एक SP बन गया है और इस बात की खुशी वह अपने माता पिता को सबसे पहले बताता है। अब माता पिता जैसे सुनते हैं कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बन गया है तो वो भी इस बात से खुश होते हैं और इस खुशी को अपने गांव में चारों तरफ सभी लोगों में बताते हैं और मिठाइयां अपने बेटे के नाम की बंटवाते हैं। अब मुकेश बड़ा अधिकारी बन गया था और इसके बाद वह ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। कुछ दिनों की ट्रेनिंग करने के बाद उसकी नियुक्ति एक शहर में हो जाती है और वहां पर रहकर वह मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्यभार संभालने लगता है। जब मुकेश की पोस्टिंग हो जाती है तो मुकेश अपने माता पिता को भी वहीं ले जाता है जहां पर उसकी पोस्टिंग होती है और वहीं पर अपने साथ रखने लगता है। इसके बाद उसके पिता उससे शादी के लिए कहने लगते हैं तो मुकेश उनसे कह देता है कि ठीक है बाबूजी, अगर आपको कोई अच्छी सी लड़की दिखाई दे तो बेशक से मेरी शादी करा देना। इसके बाद मुकेश के पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते एक अच्छी सी लड़की उन्हें मिल भी जाती है। उस लड़की को मुकेश के लिए पसंद कर लिया जाता है और उसके माता पिता से बात करके मुकेश की शादी की बात उससे तय कर दी जाती है। मुकेश को लड़की की पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया जाता है तो मुकेश को भी यह रिश्ता मंजूर आता है और वह भी शादी के लिए हामी भर लेता है। दोनों बच्चों का एक निश्चित मुहूर्त देखकर शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद मुकेश की पत्नी मुकेश के घर में आ जाती है और अच्छी तरह से परिवार के अंदर मिलजुल कर रहने लगती है। अब इसी तरह से SP साहब अपनी ड्यूटी किया करते हैं और बार बार उनका ट्रांसफर इधर से उधर होता रहा करता है। अब जब SP साहब का ट्रांसफर होता है तो वह अपने परिवार को भी अपने साथ ले जाते हैं और वहीं पर उनके साथ रहने लगते हैं। अब एक दिन ड्यूटी के दौरान SP साहब को एक मार्केट से निकलना पड़ता है और मार्केट से निकलते वक्त उन्हें अचानक से एक सब्जी वाला दिखाई देता है जो अपनी ठेले पर सब्जियों को बेच रहा था। वह जिस तरह से आवाज लगा रहा था उसी तरह से उसका दोस्त रोशन भी आवाज लगाया करता था और उस सब्जी वाले को देखने के बाद उसे अपने दोस्त रोशन की याद आ जाती है। वह गाड़ी में बैठा बैठा उन दोनों को याद कर रहा है जब रोशन ने उससे कहा था कि तू जितनी चाहे उतनी सब्जी यहाँ से ले जा सकता है और तुझे पैसे देने की कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मुकेश होता है वो रोशन के लिए अपने दिमाग में कुछ सोच लेता है। वह अपने घर जाता है और घर जाकर पूरी रात भर एक प्लानिंग करने लगता है जिसके तहत वो अपने दोस्त रोशन से मिलना चाहता है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन सुबह सुबह वो अपनी टीम के कुछ पुलिस वालों को अपने पास बुलाता है और उनसे अपने साथ कहीं चलने के लिए कहने लगता है। अब SP साहब जब कहते हैं तो सभी टीम के पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद 2-3 गाड़ियों में SP साहब का काफिला वहां से कुछ सफर तय करने लगता है। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वो लोग उस शहर में पहुंच गए थे जहां पर SP साहब ने अपनी कोचिंग की थी और यहां पर वो किराए का कमरा लेकर रहा करते थे। वहां जाने के बाद SP साहब सभी गाड़ियों को रुकवाते हैं और सभी पुलिस वालों को अपने पास बुलाकर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें वहां पर जाकर एक सब्जी वाले को धमकाना है और कहना है कि तुम यहां पर ठेला नहीं लगा सकते। जब वे कहने लगे कि आपको किसने भेजा है तो उसे मेरे पास भेज देना। इस बात को सुनकर सभी पुलिस वाले एग्री हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक पुलिस वाला कहने लगता है कि साहब ये काम हमारा थोड़ी ना है, ये तो नगर पालिका का है और आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी जो SP साहब होते हैं वो उन सभी पुलिस वालों को अपनी और रोशन की वो कहानी सुनाते हैं जब SP साहब कोचिंग किया करते थे और कोचिंग के दौरान उनके पास पैसे नहीं थे और उन्होंने इस
सब्जी वाले से सब्जी खरीदी थी। वह उन्हें बता देते हैं कि वो मेरा दोस्त है और मैं उससे मिलना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं इस तरह से तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद सभी पुलिस वाले एकदम से अलर्ट हो जाते हैं और वह एसपी साहब की और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि एसपी साहब अपने एक ऐसे दोस्त से मिलने जा रहे थे जिससे अगर वो ना भी मिलते जिंदगी भर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो सभी लोग उस ठेले पर पहुंच जाते हैं और एसपी साहब अपनी गाड़ी को लेकर वहां से लगभग 100 मीटर के फासले पर खड़े हो गए थे। एसपी साहब ने पुलिस वालों को आदेश दे दिया था और बता दिया था कि यह वह ठेला वाला है और तुम्हें जाकर इसको परेशान करना है। उसके बाद पुलिस वाले रोशन के पास जाते हैं और वहां जाकर उसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई, तुमने ये ठेला अवैध तरीके से लगा रखा है और तुम यहाँ पर काम नहीं कर सकते। अब रोशन जब इस बात को देखता तो उनसे कहने लगता कि साहब, मैं तो यहाँ पर पिछले 10 साल से ठेला लगा रहा हूँ लेकिन आज तक किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया और आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। इसके बाद पुलिस वाले उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम अतिक्रमण कर रहे हो और ऐसा करना कानूनन अपराध है और तुम आज से यहाँ पर ठेला नहीं लगा सकते। इसके बाद रोशन पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि साहब, मुझे यहाँ पर ठेला लगाने दो, इसी से मेरी रोजी रोटी चला करती है। लेकिन तभी पुलिस वाले कहते हैं कि ये बड़े साहब का आदेश है, तुम उनसे जाकर बात कर लो, अगर वो मान जाते हैं तो आपका ठेला यहाँ से नहीं हटाया जाएगा। इसके बाद रोशन पुलिस वालों से कहता है कि ठीक है साहब, मैं बड़े साहब से पूछ कर आता हूँ, तब तक आप मेरे ठेले को हाथ मत लगाना। ऐसा कहकर जो रोशन है वो डरते हुए उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है जिस गाड़ी के लिए उन पुलिस वालों ने कहा था कि वहां पर बड़े सर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही रोशन डरते डराते उस गाड़ी पर पहुंचता है और वहां जाकर एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, तभी जो एसपी साहब होते हैं रोशन को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और इस बात को देखकर जो रोशन होता है थोड़ा सा असमंजस में पड़ जाता है, क्योंकि रोशन को मुकेश को देखे हुए लगभग 5 साल बीत गए थे और 5 साल के अंदर उसका चेहरा काफी ज्यादा बदल गया था। अब वो चेहरे पर मूंछ रखने लगे हैं तो रोशन उन्हें नहीं पहचान पाता है और उनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। कहता है कि साहब देखो ना, मैं यहाँ पर 10 साल से काम किया करता हूँ और ये लोग मेरे ठेले को हटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन तभी जो एसपी साहब होते हैं वह गाड़ी से उतरते हैं और उतरने के बाद एकदम से उस सब्जी वाले को अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि यार, तूने नहीं पहचाना, मैं मुकेश हूं जो यहां पर कभी तुमसे फ्री में सब्जियां ले जाया करता था और तुम मुझे फ्री में सब्जियां दे दिया करते थे। अब जैसे रोशन को पता चलता है कि ये मुकेश है और कोई नहीं तो एकदम से वो भी उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि यार, तूने तो कमाल कर दिया, आज आकर एकदम से तूने मुझे डरा ही दिया। मैं तो सोच रहा था कि जहां पर मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूं वहां से ये लोग भला मुझे क्यों हटा रहे हैं। इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे और इन आंसू को देखकर मुकेश पूछने लगता है कि भाई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। तो उसके बाद वो कहता है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल जो बात मैंने तुमसे कही थी वो यहाँ पर कोचिंग करने वाले हर व्यक्ति से मैं कह देता हूँ, लेकिन आज तक भी कोई लौट कर नहीं आया मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि जो भी बड़ा अधिकारी बन जाता है उसके बाद उसे अपनी पोस्ट का घमंड हो जाता है। आज तू पहला इंसान है जो मुझसे मिलने के लिए आया है और इसी वजह से मेरी आंखें बहने लगी। इसके बाद मुकेश उसे चुप कराता है और कहता है कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, जो उपकार तुमने मुझ पर किया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि तुमने उस टाइम पर मेरी मदद की थी, शायद तुम उस टाइम पर मेरी मदद नहीं करते तो आज मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जब से तुमने मुझे सब्जियां देनी चालू की थी तो उसके बाद से मैंने मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिया था और अक्सर मैं उन सब्जियों से ही अपना पेट भर लिया करता था। तो आज जो ये मेरी कामयाबी है उसमें तुम्हारा भी हिस्सा बनता है और आज तुझे मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहता हूँ। इसके बाद वो कहता है कि नहीं यार, धंधे का टाइम है और अगर मैं धंधा नहीं करूंगा तो मेरा परिवार खाएगा क्या। तो इसके बाद एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज तुम जितना कमाओगे उतने पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें मेरे साथ अभी के अभी चलना होगा। इसके बाद रोशन एसपी साहब के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी दुकान पर किसी और व्यक्ति को एडजस्ट कर देता है और वहां से मुकेश के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। थोड़ी दूर का सफर तय करने के बाद जो एसपी साहब है वो पुलिस वालों को अपनी अपनी जगह पर भेज देते हैं और खुद रोशन को लेकर अपने आवास पर पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे ही रोशन के माता पिता और उसकी पत्नी देखते हैं कि अपने साथ किसी व्यक्ति को लेकर आया है तो वह उससे पूछने लगते हैं कि कौन है ये। तो एसपी साहब उन्हें पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि यही है वो जिनकी वजह से शायद आज मैं एसपी बन पाया हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे फ्री में सब्जियां दी थी और उन सब्जियों की वजह से मैं काम नहीं किया करता था और मैं और भी ज्यादा पढ़ाई कर पाता था। इसके बाद एसपी साहब के परिवार वाले उसका अच्छा सा वेलकम करते हैं और उसे घर के अंदर खाना भी खिलाते हैं। अब रोशन इन सभी चीजों को देखकर भावुक हो गया था, फिर भी वह खाना खाता है और खाना खाने के बाद वहां से जाने के लिए बोलने लगता है। इसके बाद मुकेश अपनी गाड़ी में उसे बैठाता है और
बैठाने के बाद उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। मुकेश को उसका घर भी पता चल गया था और अब अक्सर वो एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। और रोशन से मुकेश ने कह दिया था कि अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता देना और कैसी भी कोई परेशानी तुम्हें नहीं होगी। इसके बाद जब भी किसी के घर में कोई फंक्शन होता है तो दूसरा अपने परिवार के सहित उसके घर में आ जाता है और उस फंक्शन को अच्छी तरह से मनाया करते हैं। भले मुकेश का परिवार अच्छी जिंदगी जिया करता है लेकिन कभी भी वो रोशन के परिवार से नफरत नहीं माना करता है और मिलजुल कर उनके साथ रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी दोस्ती के ऊपर। दोस्तों तो मुकेश जैसा हो वरना बेशक से ना हो, छोटी सी मदद के लिए उसने अब तक याद रखा और बाद में आकर उसे अपने गले से लगाया। आप क्या कहना चाहते हो रोशन के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में, आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।